दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालिया हिंदुस्तान की जे किसान दोस्तों नमस्कार दोस्तों नमस्कार मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए साथी हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो होगा वो गेहूं की फसल को लेकर होगा ये मोबाइल की स्क्रीन पर आप जो गेहूं की फसल देख रहे हैं यह है श्री राम सुपर 303 और आज ये 130 दिन की अवस्था में है और ये देख सकते हैं आप इस प्लाट में श्री राम सुपर 303 को दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल आगाती अच्छी होती है या पछाती अच्छी होती है कौन से समय की जो बुआई होती है वो सबसे परफेक्ट होती है और उसका उत्पादन परफेक्ट निकलता है तो अभी तक लगभग लगभग हमारे क्षेत्र में और लगभग हर क्षेत्र में लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 80 प्रतिशत गेहूँ की हार्वेस्टिंग हो चुकी है मात्र 20 प्रतिशत गेहूँ की हार्वेस्टिंग बाकी है अब जो बहुत ज़्यादा आगाती थी उन गेहूं का जो उत्पादन था वो बहुत ही कम देखने को मिला है हालांकि उसका कारण था कि जो 12 दिन का मौसम ख़राब था हुआ था उस 12 दिन के मौसम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो अगाती गेहूं थे उन पर सबसे ज़्यादा पड़ा क्योंकि उस समय गेहूं जो थे वो फूल की अवस्था में थे या बीज भराव की अवस्था में थे तो जो बीज फूल की अवस्था में थे उनके फूल मर गए जिसकी वजह से उनका उत्पादन काफ़ी कम देखने को मिला ये यह यहाँ तक कि बीघा का पाँच कुंटल छः कुंटल उत्पादन तक निकला है गेहूँ का बहुत ही निम्न उत्पादन इस साल गेहूँ का देखने को मिल रहा है उसका कारण है दोस्तों मौसम और बहुत ज़्यादा आगाती जो शुरुआती समय में अक्टूबर महीने में जो बुआइयाँ की गई थी उन बुआइयों में हुआ क्या है कि एक तो शुरुआती दौर में ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि दस दिन पंद्रह दिन में उनको पानी दिया गेहूं को उसके बाद भी वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाए चाल नहीं पकड़ पाए और जैसे ही फिर वो अच्छे खासे चलने लगे बालियां निकली तो फिर बारह दिन का मौसम ख़राब हो गया और उसमें जो लगातार ओस गिरा उसकी वजह से जो उनमें फूल थे फूल मर गए हैं तो और उसके साथ उस मौसम की वजह से फंगस ने बहुत सारी समस्याओं का सामना गेहूँ को करना पड़ा जिसकी वजह से गेहूँ का उत्पादन बहुत कम निकला है बात करते हैं हम पछाती गेहूं की तो जो पछाती गेहूं हैं लगभग लगभग ठीक निकल रहे हैं अगाती छः सात कुंटल आठ कुंटल पर बिघा और जो पछाती गेहूं हैं जो निकल रहे हैं अभी वो लगभग दस बारह तेरह बोरी तक मेरा कुंटल तक बिघा का वो निकल रहे हैं अब यहाँ से किसी वैरायटी को दोष देना गलत नहीं है क्योंकि इस साल मौसम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है उसकी वजह से ये सारा सर्कुलेशन गड़बड़ हुआ है अब आते हैं हम मुद्दे पर जो कि हमारा टॉपिक है कि अगाती गेहूं अच्छे होते हैं या पछाती गेहूं अच्छे होते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ना तो ज़्यादा पछाती हो ना ज़्यादा अगाती हो मतलब कि जो नवंबर महीने की शुरुआत में जिसकी बिजाई की जाए वो गेहूं सबसे परफेक्ट होते हैं इस साल सोयाबीनें जल्दी सूख गई थी उसकी वजह से अक्टूबर महीने में लगभग सभी के खेत तैयार हो गए थे उस वजह से अक्टूबर महीने में ही गेहूं की बिजाइयाँ कर दी गई हालांकि जो नवंबर महीना होता है नवंबर महीने का जो फर्स्ट वीक होता है वो सबसे परफेक्ट होता है गेहूं की बिजाई के लिए और हमारे जो पुराने हमारे पूर्वज हैं वो लोग भी कहा करते थे कि जो गेहूँ की बिजाई है वो दिवाली के बाद हों ताकि उसकी कटाई होली के बाद हो सके तो ये जो आप इस प्लाट में देख रहे हैं ये नवंबर के दूसरे सप्ताह की इसकी बिजाई है। मैं हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था इतना ज़्यादा लेट भी नहीं होना है हमें लगभग 10 नवंबर तक बिजाई कर देना चाहिए जो नवंबर महीने का पहला सप्ताह होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है वही गेहूं सबसे परफेक्ट उत्पादन देते हैं हालांकि ये जो गेहूं देख रहे हैं आप इसकी बिजाई 14 नवंबर को की गई थी हालांकि ये ज़्यादा लेट नहीं है और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इनमें बीज भराव बहुत अच्छा हो चुका है हालांकि ज़्यादा लेट वाली में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो तो दोस्तों इसमें एक पानी एक्स्ट्रा लगा है ये चार पानी में ये वेरायटी आ जाती है तो इसमें एक पानी एक्स्ट्रा देना पड़ा है इसमें कुल पाँच पानी दिए गए हैं और उसका कारण था कि अभी आखिरी में जो अभी मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है उसकी वजह से इसको एक पानी और देना पड़ा हालांकि ये अपना मेचोरिटी समय लगभग पार कर रही है 125 से 135 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो ये अभी तो 130 दिन की तो ये हो चुकी है और अभी भी इसकी जो बालियां हैं आप देख सकते हैं कि कुछ बालियां हरी है ये नीचे से ये आने लगी है तो अभी ये चार दिन और निकालेगी अभी बहुत सारी बालियाँ इसकी हरी है हरापन इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें अभी हरापन है तो अभी ये कुछ समय और निकालेगी ये वेराइटी और जहाँ तक मेरा इसका मानना है कि ये जो वेराइटी है ये जो गेहूँ है क्योंकि इसका बीज बड़ाव पूर्ण हो चुका है अब हालांकि ऐसी कोई आशंका नहीं है कि इसका उत्पादन कम निकलेगा क्योंकि दोस्तों इसके जगह जगह से बीज निकाल के देखें बीज पूरी तरीके से भर गए हैं और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये बीघा का पंद्रह कुंटल और एकड़ की बात करें तो पच्चीस कुंटल से ऊपर देंगे नीचे नहीं जाएंगे पंद्रह कुंटल पर बीघा से ये नीचे नहीं जाएंगे किसी भी कंडीशन में और एकड़ की बात करें तो ये गेहूँ पच्चीस कुंटल से नीचे नहीं जाएंगे गेहूं की जो बिजाइयाँ नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में की गई है उनका उत्पादन लगभग लगभग हर जगह पर अच्छा सुनने को मिल रहा है अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके क्षेत्र में कब बिजाई की गई थी आपके यहाँ पर कब बिजाई की गई थी और क्या उत्पादन निकला है इनके यहाँ थोड़ी बहुत पानी की समस्या थी और उन्होंने नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में भी अगर बिजाई करी है चाहे ये श्रीराम सुपर तीन सौ तीन चाहे आपका पूसा तेजस हो या डी बी डब्ल्यू तीन सौ तीन हो या और भी जो हमारी ही सोलह पचास हो या अनेक बहुत सारी जो वेरायटियाँ हैं अच्छी वेरायटियाँ सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है अगर हमने नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में अगर उनको लगाया है तो, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना आपके यहाँ पर गेहूं कैसे निकले हैं और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो हमारे ये गेहूं अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और संभव हो सके तो लाल बटन दबाकर इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नमस्कार दोस्तों